थोड़ा सा वेदी कहाँ गया बेटा? अभी हो जाना पीछे, आज लाइट कम चल रही इसलिए रोशनी कम आ रही। इसके साइड का लगा दो, पर्दा लगा लो, थोड़ा पीछे आओ कशिश। हल्का से पीछे हो बेटा, कुछ नहीं, बहुत जगह है। उठो बैठो, बस बस बस, चलो ठीक है। तुम का नोट कर रहे? अरे हम जी कछु नोट नहीं करने, हम करा भी ना सब। क्या कॉपी पेस्ट कर रहे हो? हम हर चीज लिखवाएंगे। चलिए, पहले जिन बच्चों का कल हो गया था उनको हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो अपना एग्जाम्पल्स करें, हम बाकी इन लोगों को करा रहे हैं, ठीक है? तो वो एग्जाम्पल करें, इनकी सब कुछ निकालना है, ठीक है? कलर भी, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है? हाँ, कलरलेस और कलर, जब तक वो कोई सामने वाला स्पेसिफिक कलर ना पूछे। और कलर जहाँ भी आएगा उस वहाँ पर ब्रैकेट में लिख देना है ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन, ठीक है? सब बताना है, हाइब्रिडाइजेशन, लो स्पिन, हाई स्पिन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, क्रिस्टल फील, स्टेबलाइजेशन एनर्जी, कलर, कलर की कलरलेस है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब उनको करना है जो कल थे यहाँ। बाकी लोगों को अभी रुकना है हमारे साथ, और भी देख लेना कुछ हमारा दिमाग से निकल रहा हो तो। अनफेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हालांकि हम गारंटी देते हैं एक बार में दो तीन से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, है ना? जितना भी आप हमने और जो एक बार में एक या दो चीज़ पूछते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, लो स्पिन, हाई स्पिन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कलर, क्रिस्टल फील, स्टेबलाइजेशन एनर्जी, है ना, उसके साथ पेयरिंग एनर्जी भी काउंट हो जाएगी, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये सब करने हैं आपको, ठीक है? और भी जो हमारे दिमाग से अगर निकल रहा हो बीच में आ जाए तो देख लेना, ठीक है? एग्जाम्पल्स हम लिख देते हैं, करो इनको आप लोग, बाकी लोग कुछ नहीं करेंगे, बाकी लोग सब रिलैक्स होके बैठेंगे। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक बताने, ये भी पूछे गए ना बेटा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए। ठीक है, हम आपके सामने कॉम्प्लेक्स लिख रहे हैं, Fe(CN6) फोर नेगेटिव, Fe(CN6) थ्री नेगेटिव, Fe(A2)6(2) पॉजिटिव। दिमाग पूरा अच्छे से ध्यान से करना, जल्दबाजी में नहीं करना, गलत हो जाएगा। Fe(A2)6(3) पॉजिटिव से वही बच्चे लिखें, बाकी किसी को नहीं लिखना है जो कल यहाँ थे, जिनने 1 to 10 तक कर लिए हैं, बाकी किसी को नहीं करना है। Fe(A2)6(3) पॉजिटिव, CONH(3)6)3 पॉजिटिव,
सी ओ एन एस 36। तुम भी बंद कर लो भाई पर्दा, क्यों पंकज जी काहे ठंडी में बैठे, जब बात नहीं सुननी है तो सीधे नहीं सुननी, उसमें क्या है। नहीं तुम पर्दा बंद कर लो, वो वाली पर्दे की बात नहीं कह रहे हैं हम, पर्दे से थोड़ी हमें दुश्मनी है, तो हम ऐसी मजाक में कर लेते। हमें दिक्कत जिससे कि तुमने बात नहीं सुनी, हमने कहा था जाओ। अरे बेटा तुम हमें ना बताओ, तुम हमें मत बताओ बेटा, है ना। तुम्हें पता है कि सर कुछ नहीं करेंगे, ट्रू पॉजिटिव CR2 होल 6। थ्री पॉजिटिव ZnOH4, टू नेगेटिव। आप लोग लिख लो इन्हें ना, क्योंकि हम मिटा देंगे। CU कौन सा वाला, जॉक्टा नहीं है, टेट्राहेड्रल है, इसका उल्टा करना पड़ेगा। CuNH3 4, टू पॉजिटिव, टू पॉजिटिव, थ्री पॉजिटिव, टू पॉजिटिव, यस। लिख लो आप लोग आराम से लिख लो, बाकी लोग रिलैक्स होके बैठो, बाकी को हम कराते हैं अभी। कौन पंकज आया, रेंद हो रहे, वो भी समझेगा एक बार। और जिसको एक बार और समझना हो वो भी ना लिखे, ठीक है। जिसको करना हो, जिसकी खुद की इच्छा हो वो लिख ले, जिसको नहीं करना वो वेट करे, ठीक है। एक बार और समझ लो, लिख गए, आराम से करना, ऐसा नहीं कि 10 आपके हो ही जाएं, धीरे धीरे करो अभ्यास के साथ। ये इन्हीं में से कोई रखा मिलेगा आपको सीधे एग्जाम में, और हमें तो पता है किस तरह फील्ड थ्योरी जनरली CBSE बोर्ड में आती है, लेकिन आपसे बननी चाहिए क्योंकि आगे जाके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आती है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पस से कुछ और करा देंगे। प्रशांत भैया एब्सेंट हैं, अंकित इतनी छुट्टियां दी 6-6 दिन की, क्यों अंकित तुम्हें तो सब पता होगा, ऐसा हो नहीं सकता, कल ही उसने बता दिया होगा तुम्हें, बताओ जल्दी सही सही, तुम्हें सब पता होगा। इतनी छुट्टियां दी, इतनी छुट्टियां, फिर भी छुट्टियां चाहिए। नैन्सी संभल के करना, जल्दबाजी में नहीं, गलती नहीं होनी चाहिए। हमारे ख्याल से आप लिख गए होंगे सबके, ठीक है। चलिए आप लोग आराम से अपना करिए, बाकी लोग देखिए यहाँ पर। रब कर रहे हैं हम आप, चलो बिल्कुल आवाज़ नहीं, एक भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, अपना अपना करना है, नहीं तो बाकी लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। बिल्कुल आवाज़ नहीं, किसी से भी नहीं पूछना है कुछ भी, नहीं बनता है रिलैक्स करो,
कंसल्ट बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो फिर दूसरे बच्चों का रह जाएगा, वो नहीं समझ पाएंगे। शांति से करिए, जो बनते हैं जो नहीं बनते हैं आराम से बैठिए। चलो देखो, जो बच्चे चले गए थे अब वो समझे, वो उनको सीखना है, सब कुछ निकालना है हमें। कल हमने आपको क्वेश्चन लिखवा दिया था, ऑल प्रॉपर्टी निकालनी है 1 से लेके 10 तक, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील लिगेंड, जहाँ समझ में नहीं आया तुरंत बताना है, ठीक है। स्टेप फॉलो करना है बच्चों, जैसे हमने बताया, और वीक फील लिगेंड, ठीक है। हम आपको एक चीज़ पहले से बता दें, स्ट्रॉन्ग फील लिगेंड और वीक फील लिगेंड के लिए सब इसमें डिफरेंस आने वाला है, D4, D5, D6 और D7। बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं बताना है, हम अभी कराएंगे पूरा, कुछ नहीं बताना है। एक लॉजिकल बात बता रहे हैं हम कि D1, D2, D3, 8, 9, 10, इस केस में ना तो स्ट्रॉन्ग फील लिगेंड ना वीक फील लिगेंड का सब कुछ सेम आएगा, ऐसा नहीं कि हम कुछ करेंगे अपने आप सेम आएगा। स्ट्रॉन्ग फील लिगेंड और वीक फील लिगेंड का फर्क सब इन चार केस में पड़ेगा, 4, 5, 6, 7। एक ट्रिक पार्ट है, हम लास्ट में लिखवा देंगे, मतलब आपको 4, 5, 6, 7 दिखे तभी आप स्ट्रॉन्ग फील और वीक फील के चक्कर में पढ़ो, नहीं तो चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। अपने आप 1, 2, 3, 8, 9, 10 इनके बिल्कुल सेम आएंगे स्ट्रॉन्ग फील और वीक फील लिगेंड के केस में। लेट्स सी ऐसा क्यों होता है। बच्चों हर बार हमें ये जरूर बनाना है, क्योंकि अगर इसको नहीं बनाएंगे तो हम गलत हो जाएंगे। 1, 2, इसके बिना कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा सकता, या कर तो लोगे आप लेकिन गलत हो सकता है। आपको पता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पढ़ रहे हैं, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में T2G कहाँ होता है, नीचे, और EG ऊपर, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। T2G और EG हर बार बनेगा, हर बार बनाएंगे। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, स्ट्रॉन्ग फील लिगेंड के केस में पेयरिंग होगी, मतलब ऊपर नहीं जाएगा, पहले यहाँ सब पेयर्ड होंगे फिर ऊपर, मतलब जब तक ये भर नहीं जाए तब तक ऊपर देखना ही नहीं है, पेयरिंग होगी। क्योंकि ये जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी होती है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में, ये ज़्यादा होती है, या कह रहे हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की जो एनर्जी होती है वो पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होती है, इसलिए पेयर्ड होते हैं। ये ध्यान रखनी है, यहाँ पेयरिंग होगी, बस इतनी सी बात अगर आपने ध्यान रख ली एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और अब वीक फील्ड लिगेंड, यहाँ पेयरिंग नहीं होगी, यहाँ पेयरिंग नहीं होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पेयरिंग नहीं होगी। यहाँ पेयरिंग नहीं होगी, जब तक सिंगल सिंगल ना आ जाए तब तक पेयरिंग नहीं होगी। यह है डी, ये है डी, ए बी डी है, ए बी डी है, लेकिन ये डी T2G है और डी EG है। इसके जानबूझ के हम फीलिंग के लिए पास पास बनाएंगे, जिससे हमें ध्यान रहे कि इसमें पेयरिंग हो, इसमें पेयरिंग नहीं होगी, पहले पूरे भरे जाएंगे ये EG है ना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। इतना बना लो, चलो सब लोग, फर्स्ट हर बार बनाना है इतना, चलो करो जल्दी से। करो इतना, जैसे हम कह रहे हैं बिल्कुल वैसे ही नोट्स बनाने, एक भी नोट्स गड़बड़ नहीं करना है। नहीं भाई, और कहाँ जा रहे हो आप।
वो 1s2 2s2 तो वो एलिमेंट पे लिखा जाता है बेटा, ये कॉम्प्लेक्स का कॉन्फ़िगरेशन। मतलब आयरन का वो डी के इलेक्ट्रॉन पता करने, वो तो प्लस टू वो तो खुद पता कर लोगे ना, यहीं से कम निकल गए ज़्यादा हो गए वगैरह। Fe26 होता है तो D6 से 3D6 4s2 आएगा, तो प्लस टू आया तो भाई 3D6 छः इलेक्ट्रॉन, वो तो पता ही करना पड़ेगा, तो कॉमन सेंस कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत। वैसे आपको ये पता करना है कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, बाकी कुछ नहीं, डी के इलेक्ट्रॉन पता करने हैं। अंकित यहाँ तक क्लियर? अब इसका कुछ गलत नहीं होना है, ये हमारी गारंटी है। और आप पूरी CFT सीख जाओगे, ठीक है बच्चों? 1 से लेके 10 तक कर रहे हैं आप, देख रहे हैं ना, 1 2 3 8 9 10 इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, 4 5 6 7 में ही डिफरेंस आएगा। सबसे पहले D1 कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट है हमारा D1, ठीक है, मतलब D के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो देखो J गया एक इलेक्ट्रॉन। अब जब ये स्प्लिट हो जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, J1, ठीक है। इस साइड का देख ले, वीक फील लिगेंड, देखो स्ट्रॉन्ग फील लिगेंड और वीक फील लिगेंड तो सिर्फ पेयरिंग के लिए है, अब एक में का पेयरिंग होगी, जे है एक इलेक्ट्रॉन, जे है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब लिखेंगे सब कुछ इसका, ठीक है, सबसे पहले हम लिख रहे हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, जे वाला लिखना पड़ता है, ठीक है। तो T2G में है 1, तो लिख दिया 1, और EG में है 0 इलेक्ट्रॉन, तो 0, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेम उसका आना है, अब दिख ही रहा है। कुछ भी पहले दूसरे पे लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 तक कौन सा रहता है, चेक करो सब लोग, 1 2 3 तक 8 9 10 4 5 6 7 बन जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन D2SP3। और भी इसकी ट्रिक है, हम और भी बता सकते हैं, लेकिन ज्यादा ट्रिक मतलब ज्यादा कंफ्यूजन, इसलिए क्यों बताएं ढेर सारी, एक ही पढ़ लो। हाइब्रिडाइजेशन आ गया, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का चल रहा है, अभी एग्जाम्पल करेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लिख दें, तो पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिख दें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है जल्दी बताओ, यहाँ का देखना है सिर्फ 1। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देख लें, पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो कौन सा होगा, पैरा मैग्नेटिक। बच्चों यहीं पर लिख लें, D2SP3 है तो कौन सा कॉम्प्लेक्स है, इनर और वाइटल कॉम्प्लेक्स या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्लियर है ना, अंदर वाला गया ना, तो इनर और वाइटल कॉम्प्लेक्स, अभी तो ऐसे ही लिख लो शॉर्ट में, फिर जब क्वेश्चन करेंगे तो फिर डिटेल, या इसी को हम क्या बोलेंगे, लो स्पिन, जहाँ भी दिक्कत आए बता देना। पैरामैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक मोमेंटम निकाल दें, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 1.8 बोहर मैग्नेटॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाइब्रिडाइजेशन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक, कलर होगा कि कलरलेस, कलर होगा, क्यों, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और हर बार लिखना है कौन सा ट्रांजिशन, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन उचकेगा और यहाँ से यहाँ उचकेगा, मतलब गिरेगा, कौन सा ट्रांजिशन, डी से डी का ट्रांजिशन, तो क्या होगा, कलर्ड होगा, डी डी ट्रांजिशन। अब बच्चों लास्ट बची है, और कोई प्रॉपर्टी दिख रही हो तो जल्दी बताओ, कुछ चुक रहे हैं क्या हम,
अभी वो बिस्किस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, सबसे ज़्यादा पूछी जाती है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। चलिए तो अब CFSE निकालते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी CFSE। ध्यान से देखो क्या था, T2G के इलेक्ट्रॉन कितना है 1, मल्टीप्लाई देखो कितना था -0.4, याद नहीं है तो यहीं से ट्रिक से कर ले, नीचे कितने आएगा 5 और ऊपर की वैल्यू कितनी है 2, 5 कितना आ जाएगा 0.4 और नीचे की एनर्जी कैसी होती है माइनस, ऐसे ऐसे हम तुरंत निकाल सकते हैं -0.4। बताइए नहीं लिखेंगे, अब्सेंस ऑफ डी डी ट्रांजिशन 1, 0। T2G के इलेक्ट्रॉन, T2G की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी प्लस EG के इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0 और EG की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी प्लस की 0.6 प्लस पेयरिंग एनर्जी। देखो बच्चों पेयरिंग एनर्जी कैसे लिखनी है, यहाँ और यहाँ के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को देखना है और दोनों को कैंसिल करना है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को मतलब जोड़े को देखना है और उन दोनों को आपस में कैंसिल करना है, जितना बच जाए उतना यहाँ लिखना है। तो यहाँ तो पेयर्ड है ही नहीं, मतलब कितनी पेयरिंग एनर्जी है 0P। जे आ गई क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। चलिए सॉल्व करें, 1 का -0.4 से मल्टीप्लाई करोगे 0 माइनस का 0.4 ही आएगा, 0 × 0.6 0 हो गया, 0 × P 0 हो गया, मतलब आंसर आ गया माइनस की 0.4 क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। नोट कर, हाँ तो प्लस में ही तो की है, 0 पेयर्ड है ना, तो पेयरिंग एनर्जी के लिए हमें पेयर लिखने हैं ना इलेक्ट्रॉन के साथ में, प्लस पी लिखा था ना तो प्लस पी में पी के पेयर भी तो लिखने हैं। तो जे आ गई बच्चों हमारी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, समझ में आया विजेता बेस। अगर आप ए समझ में, अब देखो इसका तो भी वही आएगा पूरा, बिल्कुल कॉपी पेस्ट उतारना है, लेकिन ये नहीं चलेगा, उतारो सब लोग, पूरा सेम आएगा इस साइड का। समझ में आया रमा, बस कर लो फास्ट। तुम्हें नहीं आएगा अभी कभी इसको समझ में, पीछे का बेसिक बहुत चला गया तुम्हारा। हाँ अभी हम कुछ ही नहीं, एक दिखा ही नहीं, दस कर लेंगे तो अभी बैठो फिर, अभी हम पढ़ाने में लगे। अब ऐसे देखना है सर, एक बार फिर देखना है कि इसमें कुछ हम लोग भूले नहीं। बेटा अभी जिनको आप लोग बहुत आगे हो, जिनका नहीं बस पहले उनको कुछ नहीं, कुछ नहीं समझे, फिर रुको ना हम आएंगे ना, फिर जितना पूछना पूछ लेना। हाँ हाँ +2 +3 कुछ ही लिखना, सिर्फ नॉलेज पे लगा लो दिमाग में। हाँ तो वैसे हाँ सेक्स वेस करोगे, डी वेस के तो करनी है, एस के तो करनी नहीं है, एस में तो कभी आएंगे ही नहीं, एस में तो आएंगे ही नहीं है, तो हम बता दे रहे ना। और कहाँ से बताओगे, इनके और इनके हो गए ना चालू, अब पूरी क्लास चालू हो जाएगी। यहाँ के पेयर और यहाँ के पेयर देखो और यहाँ से कैंसिल करो। इसीलिए नहीं कर रहे इतना, पता है फिर यही होता है। तुमने वो डिब्बा नहीं बनाए, हाँ वो बहुत ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग फील लगे हैं ना, तो सही तो है, अब क्या दिक्कत है, पूरा तो सही आया। बिल्कुल सही है भैया, कोई गलत 100% सही है। बच्चो जल्दी जल्दी कर, अच्छा करो पर ये लोग नहीं तो बोर हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग कल कर चुके हैं, ये एक आध चीज़ें कम लिखवाई थी इनको हमने, वो सब बनती है उनसे। देखो बच्चों D1 D2 D3 D8 D9 D10 स्ट्रॉन्ग फील लगेन और वीक फील लगेन के लिए बिल्कुल सेम आनी है, तो आपको जब भी डी में 1 2 3 दिख जाए या 8 9 10 दिख जाए तो आप फिर लिगेंड को देखो ही नहीं, टेंशन ही खत्म करो। स्ट्रॉन्ग फील लिगेंड और वीक फील लिगेंड का फर्क सिर्फ पढ़ना है 4 5 6 7 में, चार जगह देख लेना आप।
जिसको भी समझ में नहीं आया तुरंत पूछना है, उस साइड भी लिखना है। हाँ, फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, देखो अब कहाँ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन है तो यहीं तो जाएगा, कहाँ जाएगा। हाँ, उसमें जैसे चार इलेक्ट्रॉन आएंगे, अभी देखो जैसे चार आए तो इसमें चार कहाँ जाएंगे, एक दो तीन चार यहाँ जाएंगे क्योंकि वीक फील्ड है, और इसमें चार कहाँ आएंगे, एक दो तीन चार पेयरिंग हो जाएगी ना, तो ऐसे फर्क पड़ेगा। तो अभी वो मत सोचो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, अभी तो करो, अभी तो सिर्फ करो। इस साइड भी करो, पूरा ये डिब्बे बनने हैं हर बार, मतलब आलस क्यों चलेगा, पूरे डिब्बे इस साइड बनने हैं, हम भी कर दे रहे हैं अगर आपको दिक्कत है। ये लीजिए वन, ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, देखो बिल्कुल सेम आएगा, टी टू जी में वन, ई जी में जीरो, ठीक है ना। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन लिख देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन डी टू एस पी थ्री कहाँ से, ट्रिक्स से, ठीक है ना, टी टू एस पी थ्री आपका हाइब्रिडाइजेशन आ गया, ठीक है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो फिर वही डी, मतलब अंदर वाला डी, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखे तो वन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वन दिख रहा है ना, वन है, है ना। मैग्नेटिक में प्रॉपर्टी देखें तो पैरा मैग्नेटिक है, पैरा मैग्नेटिक, ये तो बच्चों आपको सिखा रहे हैं, आपको तो कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा ना, पैरा मैग्नेटिक है। और मैग्नेटिक मोमेंटम हमने देख लिया, एक तो 1.8 बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है, ये हो गया। कलर्ड होगा रीजन डी डी ट्रांजिशन, कलर्ड होगा है ना, डी डी ट्रांजिशन, डी डी ट्रांजिशन मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा एनर्जी लेके, और फिर यहाँ से यहाँ आएगा तो रिलीज करेगी, तो डी डी ट्रांजिशन, ट्रांजिशन। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी देख लें हम, सी एफ एस ई, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी देख लें तो देखो वन, और टी टू जी की होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में -0.4, प्लस ई जी के इलेक्ट्रॉन जीरो, और ई जी की होती प्लस की 0.6, प्लस पेयरिंग इलेक्ट्रॉन, दोनों के पेयरिंग कैंसिल करनी है ही नहीं है, तो जीरो पेयरिंग, जीरो जीरो माइनस की 0.4, माइनस की 0.4, ये आ गई आपकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। लगा सकते, वो तो है ही है, लगाना है लगाओ, ठीक, कोई दिक्कत। ये देखो एक्चुअली में अगर हम बताएं तो ये डेल नॉट आया कैसे, ये डेल्टा का मतलब है एनर्जी में चेंज, और ये नॉट नहीं हो कि ओ है, वो यहाँ शो कर रहा है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट, फिर ये टेट्राहेड्रल में भी यही लगता है, तो फिर इसको सब लोग नॉट बोलने लगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ से निकल रही है तो भाई लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है। चलो बच्चों अब हम टू का कर रहे हैं, ठीक है, अभी कोई करेगा नहीं, अभी देखो सब लोग सिर्फ, ठीक है। देखो बच्चों टू इलेक्ट्रॉन, टू टू भर रहे हैं, देखो बच्चों जे आ गए दो, यहाँ और यहाँ दोनों भरने हैं, दो आ गए, जे आ गए दो, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों, सबसे बड़ी गलती जो बच्चा करेगा वो टी टू जी में देखेगा दो इलेक्ट्रॉन और यहाँ दो लिख देगा, गलत हो जाएगा, हर एक बॉक्स का अलग लिखना है, हर एक बॉक्स का अलग लिखना है, वन वन, हर एक बॉक्स का अलग लिखना है, वन वन। यहाँ देखो ई जी में कितने, जीरो जीरो, अभी भी डी में टू इलेक्ट्रॉन है, डी टू एस पी थ्री, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। यहाँ देखो बच्चों अभी करने से पहले अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ के सिर्फ यहाँ के देखने हैं इसके, ये तो सिर्फ एक काम के लिए है कि पेयरिंग देखेंगे तब के लिए बस काम आएगा, बाकी नहीं। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन टू, अनपेयर्ड है मतलब पैरा मैग्नेटिक है, और टू से आ जाएगा 2.0 बोहर मैग्नेटॉन। कलर्ड होगा, अब निकालेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी,
टी टू जी के इलेक्ट्रॉन,